तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड एचडी में कैसे रिमूव कर सकते हो अभी फ्री ओके। तो पहले इंट्रो लगा लेते हैं और उसके बाद बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रो लगाते हैं, चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप अपने जो फोटो का बैकग्राउंड है एचडी में कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो पूर्ण वेबसाइट है उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ, बट तब भी मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मेरा जो पुराना मेथड है तो उस मेथड से मैं पहले अपना फोटो एडिट करता था। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, बैकग्राउंड अपलोड करो, उसके बाद उसको पिक्सआर्ट में ले जाकर ऐड करो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करो। तो आप जाके वो पुराना वाला मेथड देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आ रहा होगा, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो मेथड बता रहा हो उससे आप अपना फोटो का जो बैकग्राउंड है इजीली रिमूव कर सकते हैं। और जो हेयर है, तो हमारा जो बाल होता है तो क्या होता है, ज़्यादातर ऐप में आप कर सकते हैं, पिक्सआर्ट हो, पीएस टच हो, या बैकग्राउंड इरेजर, क्योंकि जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ अपने फोटो एडिट करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, पिक्सआर्ट हो और बैकग्राउंड इरेजर हो या फिर पीएस टच हो, तो उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन परफेक्टली हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड आप लोगों में बताने वाला हूँ उससे आप अपना जो फोटो का बैकग्राउंड है एचडी में रिमूव कर सकते, अपना जो बाल है, बालों का जो एज है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका नाम बता दूँ हम किस वेबसाइट में इसको करने वाले हैं। तो आप पीसी से भी कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल यूज़र हो तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। ओके, तो वही बताने वाला हो। तो आप इस तरीके जो बैकग्राउंड है उसको आप कैसे एचडी में रिमूव कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ शायद। तो आप रिमूव कैसे करेंगे आप लोगों को बता दो, उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड वाला पिक्सकार्ट का है और थर्ड वाला रिमूव डॉट बीजी, जो ट्रेडिशनल जो लोग सब यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर लोग रिमूव डॉट बीजी के बारे में जानते हैं। उसके बाद पिक्सकार्ट में भी एचडी में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडोब स्पार्क करके। ओके, तो उसमें आप कैसे रिमूव करेंगे आप लोगों को बता दो। तो आप क्या करेंगे आप लोग बताओ, मैं जो लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन पे उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उस इंटरफेस आने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से चूज करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। ओके, अपलोड करने के बाद आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें लॉग इन कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब बहुत ईजी लॉग इन प्रोसेस है। तो आप लॉग इन कर लीजिएगा अपना कोई भी गूगल आई डी से, उसके बाद आप उस फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अनलिमिटेड फोटो आप एच डी में डाउनलोड कर सकते हो, अभी तक फ्री है। तो जब तक फ्री है तब तक मजे ले लो, मजे लेने में क्या हर्ज है। ओके, तो आप इस तरीके से जाके एचडी में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप लोगों को बता दूं आप टेस्ट कर सकते हैं कैसे आपका जो बैकग्राउंड है एचडी में रिमूव हुआ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल साइज है उसका जो रेजोल्यूशन है, तो सेम उसी तरीके से जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसका भी साइज सेम है। ओके, बात हमने जो बैकग्राउंड रिमूव किया है उसका जो एजेस है किस तरीके से हुआ है नहीं है, तो आप लोग ऐसे देख के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पिक्सआर्ट में जाके कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो उसको ड्रॉ टूल में जाके आप लोगों को दिखाता हूं। ओके, तो आप ड्रॉ टूल में उसको पहले ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद उसके बाद बैकग्राउंड ऐड कर लीजिएगा। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था तो यहाँ पे ड्रॉ का सिंबल आ रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एजेस है, जो फोटो का जो बैकग्राउंड का एजेस, बैकग्राउंड तो हमने रिमूव कर दिया, जो एजेस है फोटो का तो परफेक्टली रिमूव हुआ है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें, चैनल पर कोई नया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो